क्या हाल है आप लोगों के लिए? क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और आज हम नए क्लास के साथ, नए एनिमेशन के साथ आपके साथ हैं। आज हम कंपोजिशन ऐड करते हैं, बेसिक एनिमेशन ही करेंगे आज के भी। हम यहाँ लिखते हैं सेकंड क्लास, वही सारी सेटिंग आएगी, HD TV 1080 25 फ्रेम पर सेकेंड, 1920 1080 और 25 फ्रेम पर सेकेंड। आज भी हम जो है वो 10 सेकेंड की ही एनिमेशन बना रहे हैं, तो 10 सेकेंड ही हम इसको लेते हैं और इसको ओके का बटन प्रेस करके एक कॉम्पोजिशन सेट कर लेते हैं। अच्छा, आज हमारे पास बेसिक एनिमेशन के अंदर क्या चीज़ है? बेसिक एनिमेशन के अंदर हमारे पास पोजीशन, रोटेशन, एंकर पॉइंट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखेंगे और बैकग्राउंड में किस तरह से कलर सेट करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या काम किया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, माउस का लेफ्ट क्लिक किया और मैंने इसे ड्रैग कर दिया। अभी तक तो हम सॉलिड कलर देखते आए, हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और अभी तक हमने इस पर जो है वो सॉलिड कलर से प्ले किया, बट आज मैं स्ट्रोक को नन करता हूँ और फिल के अंदर ये मेरे पास सॉलिड कलर है, ये मेरे पास लीनियर ग्रेडियंट है और ये मेरे पास रेडियल ग्रेडियंट है। ठीक है, ये लीनियर और रेडियल आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि आप लोगों ने फोटोशॉप सबने किया हुआ है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से जानते होंगे। यहाँ मैंने रेडियल ग्रेडियंट सेलेक्ट किया, ठीक है, और ओके कर दिया। ओके करने से पहले देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑप्शन आ गई हैं, ग्रेडियंट फिल हमारे नाम, ग्रेडियंट फिल के नाम से यहाँ पर हम, ग्रेडियंट फिल के नाम से हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया। मैंने इसको ओके किया, मैंने कहा ये मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैंने ओके किया तो मेरे पास एक बैकग्राउंड के अंदर ग्रेडियंट फिल हो गया। इसके अंदर मुझे क्या काम करना है, इसके अंदर मुझे कलर चेंज करना है और ये जो सर्कल आ रहा है इसको चेंज करना है, कैसे होगा ये भी देखते हैं। सबसे पहले हम ग्रेडियंट एडिटर में जाते हैं, ये कलर हमारे पास ऑप्शन है और ये ग्रेडियंट एडिटर है, ये वही ग्रेडियंट एडिटर है जो हमारे पास फोटोशॉप में होता है। ग्रेडियंट एडिटर आ गया हमारे पास, इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँ मैंने, कोई डिफरेंट कलर सा दे दो और वैसे ये ग्रेडियंट भी मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैंने कहा ये ग्रेडियंट मुझे अच्छा लग रहा था, पहले मैं चाह रहा था कि ग्रेडियंट ग्रीन डिफरेंट हो जाए लेकिन ये कलर अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ पे क्या काम किया, मैंने यहाँ पे एक काम किया कि एंड पॉइंट को थोड़ा सा बड़ा किया, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, मैंने कहा स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर चला जाए, थोड़ा सा इधर आ जाए। ये मैंने एक बैकग्राउंड बनाया, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड बना सकते हैं, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपने ये बैकग्राउंड बना लिया तो अब आपने क्या किया, अब आपने कहा कि इस लेयर को मैं लॉक कर दूं, जैसे इलस्ट्रेटर में कंट्रोल टू प्रेस करते थे और लॉक कर लेते थे। फोटोशॉप के अंदर हम ऊपर लेयर के अंदर पैलेट ओपन होता था, और पैलेट होता था जिसके अंदर हम एक लॉक का साइन था, हम उससे लॉक कर लेते थे। बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी एक लॉक का साइन है, ये रहा लॉक और ये रहा एक बॉक्स, इस पर क्लिक कर दूँ तो ये लॉक हो जाएगी लेयर, सही, ये लॉक हो गई। इसको मैं मूव नहीं कर सकता, यहाँ से भी नहीं मूव कर सकता ना यहाँ से मूव कर सकता हूँ, तो मैंने कहा बैकग्राउंड लॉक ही रहने दो, मुझे इसका बैकग्राउंड पे कोई काम नहीं करना। हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, मैंने कहा मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा आए। आए लिखने के बाद ये करेक्टर पैलेट है, विंडो के अंदर करेक्टर, बिल्कुल फोटोशॉप वाली सिचुएशन है और ये बिल्कुल फोटोशॉप वाली करेक्टर पैलेट है। यहाँ से आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं जितना बड़ा करना चाहें, मैंने कहा ये फॉन्ट बिल्कुल सही है, ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन अच्छा लग रहा है फॉन्ट।
मैंने इसकी पोजीशन यहाँ आ जाए, ठीक है। ये मैंने लिखा आई, मैंने कहा पहले मैं इसकी एनिमेशन कर लूँ, ठीक। एनिमेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक एंकर पॉइंट का वर्ड यूज़ किया था, ये रहा मेरे पास एंकर पॉइंट। इसका एक टूल है जिसको पान बिहाइंड टूल कहते हैं, ब्रैकेट में एंकर पॉइंट लिखा हुआ है, वाई इसका शॉर्टकट की है। मैं पान बिहाइंड टूल सेलेक्ट करूँ, ये पेन नहीं है, पी ई नहीं है, पी ए है, यहाँ पे मैंने रख दिया। ये क्या काम करता है पॉइंट, अगर मैं इसके अंदर स्केल करूँ। अच्छा एक और चीज़ देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शंस हैं, एंकर है, पोजीशन है, स्केल है, रोटेशन है, ओपेसिटी है। अगर मैं इस पैलेट को बंद ही कर रखूँ, पी प्रेस करूँ तो पोजीशन मेरे पास ऑप्शन ओपन हो जाता है, एस प्रेस करूँ तो स्केल हो जाता है, आर प्रेस करूँ तो रोटेशन आ जाता है, टी प्रेस करूँ तो मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक। ए प्रेस करूँ तो एंकर पॉइंट आ जाता है, यानी इनके जो स्टार्टिंग वर्ड है वो हमारे पास आ जाते हैं। आप प्रेस करोगे बटन तो ये वो एक्टिव हो जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी का वर्ड से टी निकल रहा है, ओपेसिटी के वर्ड से ओपेसिटी नहीं निकलेगा, ट्रांसपेरेंसी का वर्ड यूज़ होगा यहाँ पे, टी उसके पॉइंट से यूज़ कर रहे हैं। अच्छा मैंने क्या काम किया, मैंने कहा इसकी पोजीशन पहले यहाँ से यहाँ है, या फिर ये नीचे ज़मीन से ऐसे आए निकले। ज़मीन से निकलने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा इस पॉइंट को पकड़ के, आप इधर से भी देख सकते हो, ये देखो एंकर पॉइंट, पॉइंट वो वहीं रुका हुआ है, या आप इस पॉइंट से पकड़ के नीचे कर लें, ये एंकर पॉइंट है। अगर मैं अब इसकी स्केलिंग करूँगा ना, तो देखो स्केलिंग कहाँ से हो रही है, ये स्केलिंग हो रही है, ये स्केलिंग हो रही है, फॉन्ट साइज़ बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है, लेकिन ये स्केलिंग हो रही है। फॉन्ट साइज़ देखो, फॉन्ट साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन स्केलिंग की वजह से ऐसा दिख रहा है। मैंने कहा क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे ज़ीरो कर दो, स्केलिंग दिखे ही नहीं। और 1 सेकेंड से मैंने एनिमेशन अपनी स्टार्ट की, मैंने कहा 1 सेकेंड पे की फ्रेम लगा दो कि मेरी एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट हो और अराउंड 10 फ्रेम पे जाके, 1 सेकेंड 10 फ्रेम पे जाके ये स्केलिंग हो 1 1 10। मैंने कहा नहीं, 1 2 0 120, यानी 100 नॉर्मल होती है, थोड़ा सा मैंने 20% इंक्रीज़ किया इसका साइज़। और फिर मैंने क्या किया, 5 सेकेंड पे जाके, 5 फ्रेम पे जाके मैंने इसकी वैल्यू कर दी 100, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे 3 फ्रेम पे जाके, यानी 3 फ्रेम में एंड यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है, 3 फ्रेम यानी 15 और 16, 17, 18, 3 फ्रेम पे जाके 1 1 10 कर रहा हूँ। और फिर मैं दोबारा से 2 फ्रेम पे जाके 18 से, यानी मैंने 20 पे जाना है, 2 फ्रेम पे जाके इसकी वैल्यू 100 कर दी। अब मैंने कहा इसको ज़रा रेंडर करके दिखाओ। अच्छा ये मेरे पास पॉइंट है वर्क एरिया एंड, ये एंड मैंने कहा यहाँ पे हो जाए ताकि ये थोड़ा सा क्विकली रेंडर करके दिखाए मुझे, ये ज़्यादा टाइम ना ले, क्विकली रेंडर होके दिखाए। क्या करा मैंने, 0 प्रेस करा रेंडर के लिए, ये देखो एक एनिमेशन स्केल होती हुई जंप करती हुई आ गई। ठीक है, रिपीट की सिचुएशन नहीं है, रिपीट आप पॉज करके फिर प्ले कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये रिपीट नहीं होगी, ठीक है। रिपीट करूँगा तो डेफिनेटली क्लास फिर वो 30-40 मिनट्स की हो जाएगी। आपका इतना इंटरनेट नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है भी तो कोई बात नहीं, जिसके पास नहीं है तो उसका भी ख्याल रखना है, तो आप पॉज करके इसको रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। पॉइंट वही है कि इसको लेक्चर को इतना बड़ा नहीं करना, लेक्चर को नॉर्मल रखना है, नॉर्मल टाइमिंग ड्यूरेशन में आप पॉज करके रिवाइंड करके देख सकते हैं इसको। अच्छा पहले तो ये हो गया मेरे पास सिचुएशन कि मैंने ये बना लिया, एक आई का वर्ड बना लिया। अब हमने क्या काम किया, अब हमने यहाँ पे दूसरा कोई टेक्स्ट लिखा, मैंने कहा आई का वर्ड हो गया, मैंने कहा आई लव पाकिस्तान, मैंने टेक्स्ट लिखना है, मैंने कहा ये वर्ड मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने लव लिखा, एल ओ वी ई, फॉन्ट साइज छोटा किया,
ठीक है, मैंने कहा इसकी पोजीशन चेंज हो, मैंने कहा बल्कि काम करते हैं इसकी पोजीशन नहीं इसकी ओपेसिटी से ब्लेक करते हैं, ओपेसिटी पे काम नहीं किया। मैंने कहा सॉरी, मैंने क्लिक कर दिया, मैंने कहा आई ओपेसिटी मैंने ज़ीरो की, की फ्रेम लगाया और ये 1 सेकेंड के अंदर 100% हो जाए, सॉफ्टली आ गई। रेंडर किया मैंने ज़ीरो से, ये रेंडर हुआ, ये स्केल हुआ, ये ओपेसिटी, ये स्केल हुआ, ये ओपेसिटी। अब मैंने कहा मैं पाकिस्तान का एक वर्ड लिख लेता हूँ, इसको बंद करता हूँ, टाइप टूल सेलेक्ट करता हूँ। मैंने कहा थोड़ा दिखाओ ये मुझे लिखा हुआ कहाँ तक आ रहा है। हाँ, मैंने कहा अब लिखता हूँ PAKISTAN, पाकिस्तान। मैंने कहा ये जो लिखा आ रहा है ये रोटेट होता हुआ है, सबसे पहले तो मैंने क्या किया इसको स्केल कर दिया। देखो आज मैं इस एस प्रेस कर रहा हूँ, वैल्यू ज़ीरो कर देता हूँ, इस पॉइंट को मैंने यहीं रखा हुआ है ताकि इसी पॉइंट से ये स्केल हो। स्केल किया मैंने कहा ये 1 सेकेंड के अंदर स्केल हो रहा हो, और 100 कर दिया मैंने, देखो क्या होता है। रेंडर किया और ये स्केल हो गया है। अब वहाँ से निकलता हुआ स्केल होता हुआ आ गया, सेंटर पॉइंट रख देता तो सेंटर से आ रहा होता। ये बेसिक्स एनिमेशन है, बेसिक एनिमेशन कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा अच्छा एक और काम करे, ये रोटेट भी होता हुआ है, मैंने रोटेट भी कर दिया इसके अंदर, रोटेशन की पोजीशन लगा दी। एक की फ्रेम लगाने के बाद यहीं तक मैंने यहाँ पे लिखा 360, यानी 360 डिग्री के ऊपर रोटेट होता है। 360 डिग्री के ऊपर जब ये रोटेट होगा तो जाहिर सी बात है ये पूरा एक राउंड यानी एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। जब मैं यहाँ पे इंटर करूँगा 360 डिग्री को तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा 1, ये 1 इसीलिए लिखा आएगा कि ये एक सर्कल अपना पूरा कंप्लीट कर लेगा। कैसे, जैसे ही मैं इंटर करता हूँ ये हो गया 1, ठीक है, और ये 0 0 हो गया और ये की फ्रेम भी लग गया। रेंडर करके देखता हूँ क्या होता है, ये देखो अगर आप चाहते हो सेंटर से आ जाए तो इसका पॉइंट पकड़ के सेंटर में कर दोगे। ऑप्शन में कुछ ज़्यादा नहीं, मैं सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ कि देखो मैंने कोई एंकर पॉइंट पोजीशन स्केलिंग ओपेसिटी से प्ले किया, अभी कुछ नया नहीं किया, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ एनिमेशन बता रहा हूँ। बेसिक से ही हम बहुत कुछ बना सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ आपको की फ्रेम का आइडिया दे रहा हूँ कि की फ्रेम किस तरह से एनिमेट होते हैं, की फ्रेम के ऊपर हम किस तरह से काम करते हैं। अभी हमारा सारा फोकस उसी के ऊपर है और किसी के ऊपर नहीं है। तो हमने क्या देखना है, हमने इसके अंदर ये देखना है कि हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक एनिमेशन के ऊपर किस तरह से काम कर सकते हैं, हम वो देख रहे हैं। इसको देखने के बाद आपने क्या काम करना है, आपने इस तरह की कोई टेक्स्ट को एनिमेट करना है, कोई भी टेक्स्ट लिख लें, ठीक है, एक बैकग्राउंड बनाएं जिसमें आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं, आप पिक्चर्स को मूव कर सकते हैं। अगर आपने फ़ोटोशॉप पे कोई चीज़ बनाई है तो चलिए मैं नेक्स्ट क्लास में फ़ोटोशॉप के साथ कराऊंगा कि फ़ोटोशॉप के साथ किस तरह से ये काम कर सकते हैं, तो उसको भी देखेंगे। कुछ और अच्छी सी बेसिक एनिमेशन करते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ सिंपल सी बताई कि आप की फ्रेम को फोकस करें कि की फ्रेम कब और कहाँ लगाएंगे, इसको फोकस करें, ज़्यादा ध्यान उसी पर लगाएँ। एनिमेशन किस तरह से करी जा सकती है, क्या एनिमेशन बना सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डेफिनेटली। बट अभी कहाँ की फ्रेम से स्टार्ट होता है, कहाँ एंड होता है, इसको आप देखें। तो यही चीज़ आपके पास इम्पॉर्टेंट है, जब आप इसको फोकस कर लेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा काम कर सकते हैं।
तो इस तरह की कोई चीज़ बनाएं और दिखाएं कि कैसा बेसिक एनिमेशन है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको और भी ज़्यादा अच्छा सा कुछ बना के आपको दिखाएंगे। ठीक है, चल अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।